क्या हो गया मेरी बच्ची? क्या हो रही है, क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या होना है भाई, डर गई थी वो, डर गई थी नींद में, दम कर रहा था उसे, तुम आ गई। अरे क्या हो गया, अरे जोई, अरे आपा, क्या हो गया, क्यों चीख रही है सिला? ये लड़कियां जो है ना वो कंप्यूटर पे अजीब शैतानी चीजें देख लेती हैं। दम कर रहा था मैं इसको, दम कर रहा था, आजकल कुर्सी पढ़ के दम किया है, है? आपको पता है ना कि उल्टी, ये देखे उल्टी सीधी किताबें पढ़ती हैं ये लड़कियां, तो फिर इस तरह के ख्यालों से तो उठेंगी ना चीखे मार के। अल्लाह सिला, क्या हो गया है बेटे? अब देखो तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। माशाल्लाह से मंगनी हो गई है तुम्हारी, कल को शादी होने वाली है। अब यूं डर डर के आधी रात को चीखोगी तो लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे भाई? हैं? ऐसे नहीं करो, अब देखो जाओ हाथ मुंह धो लो और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो, समझ गई तुम? मेरी तो एक दफा नींद उड़ जाए ना तो दोबारा आना मुश्किल होती है। अब मैं गोली खा के सोऊंगी, नमाज भी खजा हो जाएगी मेरी, तौबा है तौबा। ओ, ये तो राहिल की तस्वीर देख के डर गई। जो तस्वीर देख के डर गई है तो वो जिंदगी कैसे गुजारेगी उसके साथ है? दम कर दूं। अच्छी पाली है लड़की इसने, तौबा है तौबा। मत मारी गई है, आधी रात को बस चीखना शुरू कर। अरे कौन चीखा था, क्या कोई चोर वोर आ गया क्या? अरे कहाँ, कोई नहीं था भाई, ये नींद में डर गई थी, चीखने लगी सिला बीबी। बताओ भला कैसी लड़की पाली है इसने सादिया ने, मुझे तो नफसियाती लगती है कभी कभी। तौबा, डरा दिया हमें, नींद से उठा दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अजीब डरपोक लड़की है, बस कोई भयानक ख्वाब देख लिया होगा, एक चुहिया से तो डर जाती है ये। एक मेरी बेटी है जैनी, ये जूता मार के छिपकली मार गिराती है। तौबा,
ये पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। अब तल्लो बीबी के ऊपर जो है, अल्लाह रहम करे, भी आकर लेकर तो जा रही है। अब खैर हो बस राहिल मियां की। देखो मैं क्या लाया, खास तौर पे लाया हूँ ये छोटी खताइयां आपके लिए। मैं अरे मेरे अल्लाह, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। मैं सदके, मैं कहकर भूल जाती हूँ मगर ये सुनकर नहीं भूलता। एक वो है, हजार मरतबा भी कहूं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे आप आया, ये बड़ा मसला है। मैं कुछ कर लूं, शामत हमेशा बड़े भैया की आती है। हालांकि वो बेचारे क्या करें, कारोबार में इतने मसरूफ है कि अपनी होश नहीं है उन्हें। रहने दे जोई, बस हर वक्त तरफदारी करते रहते हो बड़े भैया की। ये सच है कि जितनी परवाह तुझे है मेरी, किसी और को नहीं है इस नूर मंजिल में, कोई परवाह नहीं है। हाँ हाँ, ये जोई तो सबके नंबर कटवाता है। अरे आप पे सब कुछ कुर्बान है नौशी भाभी, सारे नंबर ही आपके हैं मेरी जान। नंबर वन भी, नंबर दो भी और नंबर थ्री भी। जब तुम्हारी बीवी आएगी ना, सबके नंबर कटेंगे। चले आप भी यही है, देख लेंगे हम। हाँ हाँ देखेंगे, लाजिम है के हम भी देखेंगे, लाजिम है। सैनी, जाओ जाके जोई मामा के लिए अच्छा सा ऑमलेट बना कर ले आओ। बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो, जाओ। तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए ना, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग हैं, बताओ मैं के। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ बताओ। मेरा फोन दे जोई मामा। नहीं भाई, हर वक्त फोन पे बैठी रहती है ये, समझाएं इसे कुछ, आंखें खराब हो जाएंगी। 24 घंटे चिपकी हुई होती है फोन से, मत देना जब तक नाश्ता बनाकर नहीं लाती। अरे नौशी कहो इसे। बढ़िया पर ठीक कह रही है, जाओ जाके उनको ऑमलेट बना के दो और खुद भी आके नाश्ता करो, तो देर हो जाएगी कॉलेज से। नहीं करना मुझे नाश्ता। मेरा फोन लेके दे। मत देना फोन जब तक कि तुम नाश्ता बनाकर नहीं लाती हो जोई का। हम देखे, बड़ी कामचोर लड़की है। उफ अल्लाह, तूफान है तूफान, पता नहीं क्या करेगी ससुराल जाके। हैं लाज़िम है कि हम समझते, पता नहीं क्या है अपने आप को। तू यहाँ की छुपी बैठी हुई है, भुकल फोन छीन लिया मेरा, छिछोरा कहीं का। फोन ना छीनता ना तो कभी भी नहीं बना के देती मैं ये नाश्ता। घटिया, दिल तो चाहता है इस अंडे में जहर मिला दूं। तू यहां क्यों बैठी हुई है? और क्या करूं, बाहर जाके अपने किस्से सुनूं? सोते में डर जाती है, चीखती है, नफसियाती है, राहिल को भी पागल कर देगी। सच ही तो कहते हैं डरपोक कहीं की। वैसे नूर मंजिल में है क्या डरने को, डरती किससे? मैं हूं ना। मैं हूं ना सिला को डराने को। हाँ क्यों सिला? अरे वाह, यूनिफॉर्म में तो बहुत अच्छी लगती है, वाइट यूनिफॉर्म, पिंक दुपट्टा, है ना? ये देखो जरा, इतने बुरे तरीके से इसने अंडा बनाया है फोड़ लड़की ने। अरे ये ससुराल जाएगी ना, हम सबको बदनाम करेगी, है ना? जरा आपकी दुल्हन आए तो देखेंगे कैसी नेक नामी कराती है हमारी। चलो भाई देर हो रही है, आज का पीरियड तो समझो मिस हो ही गया, चल उठ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो जाए ना तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने के, ठीक है? हाँ हाँ आए बड़े हमदर्द, चल यार। क्या बना के दे गई है, सारा घी लग गया है। पूरी सौतेली माँ है ये जोई मामा, मेरी तो जिंदगी हराम करके रखी हुई है। अल्लाह करे ऐसी बीवी आए कि मेरे सारे बदले पूरे हो जाएं। ले लगा ले, लगा ले ना, वहां तो बड़ी अम्मी होती है, यहाँ कौन सी है। चलो ठीक है मैं ही लगा लेती हूँ, नहीं तो ना सी।
हाय अल्लाह, मैं अपना फोन देखूं कहीं मेरे सारे मैसेजेस ना पड़े। ये देखे नौशी भाभी, ये सिला का जोड़ा बना है, अच्छा है ना? प्यारा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी सिला को ना नजर आ गई है। जी रात को सोती नहीं है, नदी मेरी अजीब सी हरकतें करती है, नींद में चीखती है, चिल्लाती है। वैसे मुझे तो लगता है जोई उसे कोई दौरे पड़ने लगे हैं। सादिया छुपाती है, वो नहीं बताती। मुझे बड़ी आपा ने बताया था कि कोई नफ्सियाती मसला है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जोई कैसे दौरे? भाई खुदा ना करे मिर्गी ना हो। अरे नौशी भाभी, आप भी हद कर देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस उम्र में लड़कियों को स्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। कब से है ये? कुछ ना कुछ तो सिला की जान को लगा ही रहता है, अब ये एक नई बीमारी है। अरे आप छोड़िए, आप ये बताइए कि अपने राहिल मियाँ क्यों नहीं आए? दूल्हा मियाँ बुलाइए उनको, कोई ढोलकी छोलकी हम गर्म करें। आएगा, अभी दफ्तर से नहीं आया। किसी डॉक्टर को दिखाया जाए भैया? डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत, मैं ही सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ भाई। इनका इलाज भी मैंने ही किया था, बड़े दौड़े पत्ते थे ना, ये तो काटने को दौड़ती थी। जोई तुम बिनो खराब आदमी हो, बहुत भाई याद हो, देख रही हो तलो तौबा है। चलिए गाना सुनाइए कोई अच्छा सा। चलो चलिए, 1 2 3 4। लगा लो, अच्छी लगती है तुम पे। बस एक मेरा ही कहा ना माना करो, क्या हो जाता सिला अगर जरा सी लिपस्टिक लगा लेती, तल्लो का दिल खुश हो जाता? तो फिर आपकी मुखालफत कैसे होती? ये रहा मेरी बच्ची का दुपट्टा, कितना खिल रहा है कलर माशाल्लाह। क्यों जोई भैया? क्या हुआ सिला, तबीयत ठीक है बेटा? जी जी ठीक हूँ मैं। अरे क्या धमका सता रही हैं हमारी सिला को सास साहिबा? ये क्या बात हुई, सबने मुझे सास बनाकर एक तरफ कर दिया। जो भाई आप भी लड़की वाले हो गए तो मेरे साथ कौन होगा? अरे भाई सच तो ये है, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ, क्योंकि मैं तो बस अपनी ये सिला का हूँ। क्यों सिला? सिला उठो,
कलो फूफो कब से इंतजार कर रही हैं। उठ के कमीज ट्राई करो, चलो उठो। ये क्या हो गया है? वो क्यों हर वक्त इस बेचारी पे चीखती चिल्लाती रहती है, हुक्म चिल्लाती रहती है? अरे थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठा रहने दे इसे, फिर तो ये तल्लो जी ये ले उड़ेंगी इसे। कहाँ ले उड़ूंगी, दीवार के उस तरफ ही तो लेकर जाना है मैंने। अरे आप भी बैठो यहाँ, कम से कम चैन से कुछ घड़ियां हमारे साथ भी गुजार लिया करें, हमारा भी क्या भरोसा। राहिल कहाँ है, वो नहीं आया? भाई सिला, राहिल से कहो कि फौरन आए और तुम्हें जोई से बचाए। अच्छा नौशी भाभी, ये तो बच जाएगी, फिर आपको कौन बचाएगा हमसे? देख रही हूँ इसे साबिया बदमाश कहीं का। अरे भाई राहिल अब हमारे कहने से कब आएगा, सिला बुलाएगी जब ही तो आएगा। सिला उठो, जाके राहिल को फोन करो, पूछो कब आएगा तो मैं खाने का इंतजाम करूं। अरे हमारी सिला तो बड़ी प्यारी है, साथी मासूम सी शर्मीली सी है ना। उठो ना। अरे जाओ भाई, जो तुम्हारी माँ कहती है कर लो, ये बहुत ही जेलस हो जाती है जब तुम हमारे पास बैठती हो। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। चीनी ज्यादा डालना, ज्यादा मीठे का शौक है हमें, पता ही है आपको। कहाँ हैं आप? कौन? अच्छा जी, तो अब हम कौन हो गए दूल्हे भाई? वेरी बैड। तुम हो जैनी? मैंने भी सोचा कि सिला को कैसे ख्याल आ गया फोन करने का। बस देख लीजिए, एक हम ही है जिसे आपका ख्याल रहता है और आप हैं कि हमें इंतजार में मार रहे हैं। अब जल्दी से आ जाइए वरना हमारी तैयारी फीकी पड़ जाएगी। कहाँ हो तुम? जरा देखे तो तुम्हारी तैयारी। भाई इतनी आसानी से तो हम आपको अपनी सिला नहीं दिखाएंगे जनाब, और ये ताक झाक बिल्कुल नहीं चलेगी, इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तुम्हारी सिला, वो तो मुझे देखते ही सात पर्दों के पीछे जा छुपेगी, किसके लिए आऊं? अरे तो हम भी पर्दा को देख लीजिए, आप आइए तो सही। हाँ
सिला, बेटा दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि जब तक तुम्हारे बाबा नहीं आ जाते तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाओ, यहाँ अकेली पड़ी रहती हो, डर जाती हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि रात में कितनी मर्तबा मैं तुम्हारे कमरे के चक्कर लगाती हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। मैं ही ठीक हूँ, और वैसे भी जैनी कहती है कि नूर मंजिल में है ही क्या डरने को। आप बताएं, कुछ है डरने के लिए नूर मंजिल में? दरवाजा बंद कर लेना। राहिल तुम तो फिर यहाँ आकर सो गए हो, उठ जाओ राहिल, मैंने बाजार जाना है। क्या है यार, मम्मी आज छुट्टी है, आपको रोज क्यों जाना होता है बाजार? तुम्हारी मंगनी की तैयारी कर रही हूँ इसलिए रोज जाना होता है बाजार। चलो उठो, शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ। खाक मंगनी है। सलाम अलैकुम। तलो भुप्पो, ये रात का कोरमा और नान बड़ी अम्मी ने भिजवाया है दूल्हे मियाँ के लिए। वाह भाई, अभी तक सो रहे हो हैं? रात को तो भाग लिए थे, क्यों क्यों आए हो? रात का कोरमा और नान भिजवाया था बड़ी अम्मी ने, वो ही देने आई थी। रख दिया? ऑफ कोर्स। तो फिर जाओ, क्यों बैठी हो यहां पे? क्यों, मेरे यहां आने पे एतराज है आपको? हाँ, तो मुझे डिस्टर्ब कर देती हो। चलो फूफो, देखे ना मुझे यहां से चले जाने को कह रहे हैं दूल्हा भाई। अगर तुमने मुझे अब बोला ना दूल्हा भाई तो अब तो नहीं तो है, जो है वही बोलूंगी, दूल्हा भाई दूल्हा भाई दूल्हा भाई। पागल दूल्हा। अरे भाई, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं। सिकंदर को गए हुए कितने बरस हो गए, उसके बच्चों की जिम्मेदारी हमने संभाली कि नहीं संभाली? संभाला हुआ है सब कुछ। हातिम को हॉस्टल में डलवाया, सिला को पढ़वाया लिखवाया, और सिकंदर साहब का यह हाल है कि 20 साल पहले जो खर्चा भेजता था आज भी वही है। अरे भाई, हां या ना कहेंगे या ये सारी फिक्रें मेरे जिम्मे हैं। तो क्या करूं, घर से निकाल दूं सादिया और बच्चों को? हाय अल्लाह, क्या मैं ये कह रही हूं? आप तो चंद नोट मेरी हथेली पर रखकर फारिग हो जाते हैं। अरे सादिया का हर अच्छे बुरे में मैंने साथ दिया कि नहीं दिया? अरे पूरी बिरादरी मुझे सराहती है कि आपने जिठानी बनकर नहीं, बहन बनकर, बच्चों की मां बनकर सादिया को संभाला है, और एक आप हैं जिसको मेरी कोई कदर नहीं और ना होगी। तुम रोजाना यह किस्सा लेके बैठ जाती हो। भाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने बात की है सिकंदर से, अब आएगा तो दोबारा कर दूंगा। बिल्कुल सही, अब उस सिला की मंगनी के लिए इंशाल्लाह आ रहा है, आप बिठाकर दो टोक बात कर ले उसे कि भैया या तो अपने बच्चे ले जाओ या मुकम्मल खर्चा दो और अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अरे हमने तो उसकी जवान लड़की की जिम्मेदारी। भाई आपको पता है, नई बात सुने, अरे इसको तो बंद करें।
नोशी बता रही थी कि सिला को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये सादिया हमसे छुपाती है। मैं तो परेशान हूं कि तल्लो को कलकला पता चल गया या राहिल को, तो क्या होगा? कोई दौरे वौरे नहीं पड़ते उसे, नोशी की तो बात बढ़ाने की आदत है। भाई सोते में अगर सिला डर गई तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पागल है। ये भी सही कह रहे हैं, नोशी की तो आदत है बढ़ा चढ़ा के बात करने की, ये बात तो है। खैर जो ही कह रहा था कि सिला के गले में तावीज डालेगा। ओहो। अच्छा ये तो देखें, ये देखें मैंने मंगनी के लिए बनवाया है, हाँ? कुछ ज्यादा तो नहीं, रंग कैसा लगा? नहीं ठीक है। अरे वाह कितनी प्यारी है, सैनी के लिए रख लेती हूँ। क्या जाहिल औरतों की सी बात है, तुम्हारे लिए लाया हूं भाई, जैनी के लिए और ले लेंगे। नहीं हाँ हाँ जाहिल तो मैं ही हूं, समझदार तो सिर्फ आप है, इसलिए तो जैनी बैठी रह गई और सिला का रिश्ता हो गया। जो होना था वो हो गया, इसलिए कि आपने तलो से बात ही नहीं की, कहती रही कि राहिल की तालीम वगैरह पर इतना खर्चा किया हमने। छोटी बहन है, बात करो उससे भाई, हक बनता है हमारा। सिकंदर ने तो कभी आके भी नहीं पूछा उसे, तलो की बेवगी में इतना सहारा दिया हमने, जब रिश्ते की बारी आई तो तब उसे सिर्फ सिला ही नजर आई। मेरी जैनी में क्या ऐब है? पूरे एक हफ्ते बाद आया हूं मैं और आते साथ ही तुमने रोना धोना शुरू कर दी। तो और किससे कहूं मैं अपने दिल की बात, सब तो ढोल बाजों में लगे हुए हैं। मेरे दिल का हाल तो बस मैं ही जानती हूं। नोशी जैनी के लिए एक से बढ़ के एक रिश्ता आ जाएगा, सिला बाप के होते हुए भी यतीमों की तरह पली है, अच्छा है ना, तलो प्यार से रखेगी उसे। हाय अल्लाह, मैंने कहा भी था कि हैदराबाद से मेरे लिए चूड़ियां लेकर आना। अरे तो ब्रेसलेट लाए हूं ना, वो नहीं मुझे पसंद, तो उठा के बाहर फेंक दो उसे। हेलो क्या हाल है सिला? अरे क्या बात है, ये तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? बोलो। अरे मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। ताहिर से नहीं डरती थी, ये क्या बात हुई? अरे वो तुम्हें मुझसे कम प्यार करता है। सुनो इस साजन मैंने तुम्हारे हाथ पे तो तुम समझी शायद राही, इसलिए खामोश रही ना, बड़ी चलाक है तो। अगर मैं तुम्हें तुम जीओगी तो नहीं, नहीं जीओगी ना? प्रॉमिस बोलो ना, बोलो। बोलो ना सिला, जीना नहीं है, खबर का किसी को बुलाया, हमारा आपस का मामला है। अच्छा सिला क्या हुआ, क्या क्या हो गया? कहाँ थी तुम? पूरे घर में ढूंढ लिया,
कब से आवाजें दे रही हूँ? छत पे थी। क्यों? छत पे क्यों थी? कितनी बार मना किया ना तुम्हें ऊपर जाने से, फिर क्यों पड़ी रहती ऊपर? बड़ी आपा ने कहा था कपड़े उतारने की, इसलिए गई थी मैं। अकेले मत जाया कर। मुझसे कह दिया करो सिला, राहिल आया था, तल्लू ने भेजा था, वो जूते लेने जाना है, ढूंढ रहा था तुम्हें। राहिल का आना जाना लगा रहता है, अपने खुलिए का ख्याल रखा कर। सारे घर में देख लिया, शिला नजर नहीं आ रही। कहाँ? अरे तुम भी ना कमाल करती हो सद्धो। अरे ये इतना क्यों डराती हो उसे मुझसे है? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं दुश्मन हूं उसका क्या? छत पे भी वो ऐसे मुझे डर के देखकर भागी है जैसे। कमाल करती हो, जालिम हो बहुत। खुद तो दूर हुई हो मुझसे, उसे भी दूर करना चाहती है। अच्छी बात नहीं है, बुरी हरकत है ये। क्यों कर रही हो ऐसा? बुलबुल, ओ बुलबुल, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इतना तो चाहता हूं तुम्हें। लो पान। खा लो, राजा जानी है, आदत डालो, अब यही खाना है। क्या कर रहे हो? कुछ देख लेगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये भी उठा लेना यार। सिला, क्या हुआ था छत पे? कौन था वहां? देखो डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो, मैं सब संभाल लूंगी। बोलो ना बच्चे, क्यों डर रही हो? तुम उन्हें गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे बाप की जगह है। और आपकी क्या है वो? जहर लगती हैं आप मुझे, नफरत है मुझे आपसे। अच्छा है कि आप मुझे अपना चेहरा ना ही दिखाया करें। सिला, हाँ
अरे जैनी ये देखकर आ जाओ दलिया जोई मामा को, ठंडा हो जाएगा, बुखार में तड़प रहा है रात से। अरे ये हर वक्त टूंटिया ठूसे रहती हो कानों में कि ना सुनाई दे और ना कोई काम करना पड़े, हैं? ये जोई मामा को देखकर आ जाओ दलिया। क्या है बड़ी अम्मी, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? मैं नहीं जाऊंगी, तंग करते हैं जोई मामा मुझे। सिला तुम ही देकर आ जाओ, ये तो है लाडली सलीम मियाँ की, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, बाप ने बिगाड़ कर रख दिया है। जब जाओगी ना ससुराल, सास के चार जूते पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तुम जाओ या तुम्हें भी जोई मामा तंग करते हैं, हाँ? चलो मैं ही देकर आ जाती हूँ, मेरे घुटने का दर्द तो जाए बाल में, हाँ? बेकार लड़कियां, काम की ना काज की। रहने दो सिला, मैं दे आती हूँ। सलाम बढ़िया। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आ जाओ अपने बाप को नाश्ता दो, जोई मामा के लिए काम करते हुए तो हाथ टूटते हैं तुम्हारे। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं ले आती। सलीम मियां, जोई जो है बुखार में तप रहा है कल रात से, तुम्हारे बड़े भैया को इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाकर तबीयत ही पूछ कर आ जाएं। डॉक्टर को दिखाया ना, बच्चा तो नहीं है जोई? जी हाँ सलीम मियां, खूब कहा। हम यहाँ पूरे कुंबे की खिदमतें करते रहें और हमारे भाई का कोई पुरसाने हाल ना हो, कोई मुंह में पानी डालने वाला ना हो। क्यों, जर खरीद गुलाम समझ लिया है सबने उसको? सबके बस जोई मामा ही काम करता रहे, छोटे बड़े बस सब उसी से काम करवाते। जो काम करता है ना जोई, ड्राइवर भी कर देगा। उसे चाहिए कि घर से बाहर निकल कर कोई काम काज करे, ना कि घर में घुसा औरतों के साथ हंसी ठट्ठा करता रहे। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की।